हाय गाइस, वेलकम टू सीसीबी चैनल। और आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और रिव्यू करने वाला हूँ अपने नए लैपटॉप एसर स्विफ्ट 3 का। ये लैपटॉप बेसिकली मैंने लिया है अपने चैनल पे, क्योंकि मेरा चैनल एक एजुकेशन चैनल है जिसमें मैं ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ। तो मेरी लैपटॉप ख़राब हो गई थी, तो ये लैपटॉप मैंने लिया है और इससे बेसिक पर्पज़ मेरा यही रहेगा, इस पर प्रोग्रामिंग करना और ट्यूटोरियल्स बनाना, रिकॉर्ड करना, एडिट करना और बस यही बेसिक पर्पस के लिए जो है। और बेसिकली मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, तो कंप्यूटर के बिना तो मैं रह नहीं सकता हूँ, बिकॉज एवरी डे प्रोग्रामिंग ऑफिस का भी वर्क होता है। तो या सो लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ द एसर स्विफ्ट 3 लैपटॉप। ये लैपटॉप काफ़ी सोचने समझने के बाद मैंने लिया है, ये फ्लिपकार्ट से मैंने लिया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसकी प्राइस यहाँ पे मेंशन है 50,999 रुपी। और बेसिकली ये लैपटॉप मुझे फ्लिपकार्ट से मिला है डिस्काउंट में, और मुझे मिली है लैपटॉप 39,000 में। वैसे इसका नॉर्मल प्राइस प्राइस है 43,000। मैं आपको बता दूं कि ये लिनक्स वर्जन का प्राइस है, और विंडोज वर्जन इसका सेम आपको 3,000 एक्स्ट्रा में मिलेगा। सो चलिए इस लैपटॉप को जल्दी से अनबॉक्स करते हैं, मैं बताता हूँ इसके फीचर्स क्या हैं, ताकि अगर कुछ स्टूडेंट जो कि आप लोग अगर लेना चाहते हो तो इस लैपटॉप को ले सकें। चलो स्टार्ट, व्हाट इज, देखते हैं कि क्या है इस लैपटॉप में। ओके, सो अनबॉक्सिंग स्टार्ट। यहाँ पे एक सील दिया है, सील। ये लैपटॉप मैंने पहले भी खोला है एक्चुअली, बट अनबॉक्स करने के लिए, इसमें क्या क्या है दिखाने के लिए मैं आपको फिर से इसका पैक किया था। सो इसमें आपको मिलती है डॉक्यूमेंट्स और इंश्योरेंस, सॉरी इंश्योरेंस नहीं, वारंटी कार्ड ऑल्सो। सो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर यहाँ पे आपको चार्जर मिलती है, चार्जर काफ़ी अच्छा है, आई मीन काफ़ी थिन सा चार्जर है, पतला सा, और इसी ये भी काफ़ी थिन है। एंड फाइनली हेयर इट गोज, यहाँ पे है हमारा लैपटॉप। और लैपटॉप तो गाइस सच में इतनी खूबसूरत है ना, आई मीन इतना खूबसूरत लैपटॉप इतने कम प्राइस में, आई मीन नियरली मिलना मुश्किल था। और जो कॉन्फ़िगरेशन और फीचर्स मिला है वो तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। सी ये लैपटॉप है एसर स्विफ्ट 3, एक्चुअली अल्ट्रा स्लिम मॉडल है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये काफ़ी स्टील बॉडी है, फुल बॉडी इसकी स्टील की है, और दूसरा ये काफ़ी स्लिम है, आप देख सकते हो काफ़ी स्लिम है और फुल स्टील बॉडी है। अगर आप देखो तो कितना स्लिम है ये। इसमें कोई सीडी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव नहीं है, बिकॉज उससे काफ़ी लैपटॉप मोटा हो जाता है, और मुझे एक स्लिम लैपटॉप चाहिए था जो कि थोड़ा अच्छा दिखे और फुल स्टील बॉडी हो, इसलिए मैंने इसे लिया। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो सबसे अच्छी बात है वो तो है, इसका कुछ कुछ अच्छा बात मैं आपको बता दूं, स्टार्ट करके भी मैं दिखाऊंगा कि क्या है, बट जो अच्छी बातें हैं वो ये है कि इसमें स्टील बॉडी है, दूसरा फुल एचडी पैनल है। अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है फुल एचडी, वेल दिख नहीं रहा होगा मे बी, अब दिख रहा होगा 1080। तो ये 1080x920 का फुल एचडी डिस्प्ले है और काफ़ी खूबसूरत है। मीन्स फुल एचडी अगर आपको वीडियो देखना है या फिर एडिटिंग करनी है तो ये लैपटॉप उसके लिए बहुत ही अच्छा है। वैसे सेम प्राइस रेंज में और भी लैपटॉप्स थे जिसमें कॉन्फ़िगरेशन आई मीन ठीक ठाक ही थे, बट उनमें प्रॉब्लम ये था कि फुल एचडी डिस्प्ले मुझे नहीं मिल रहा था, इसमें फुल एचडी डिस्प्ले मिला है, ये एक बहुत अच्छा बात है। इसका इसमें दूसरी खासियत ये है कि इसमें AMD का प्रोसेसर लगा है, तो इसमें वो आपका नॉर्मल i5 वाले प्रोसेसर नहीं लगा है, बट इसमें AMD का प्रोसेसर लगा है, Ryzen 5। ओके, और इसमें एक फिंगर सेंसर भी है, मतलब कि यू कैन जस्ट अनलॉक द लैपटॉप बाय प्रेसिंग द फिंगर लाइक दिस, और ये अनलॉक हो जाएगा। ओके, स्विफ्ट 3 मॉडल का नाम है इसमें। इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास भी लगा हुआ है डिस्प्ले के ऊपर, और यहाँ पे HD कैमरा भी है, और इसमें वाईफाई का एडवांस वर्जन लगा हुआ है, तो काफ़ी स्पीड इंटरनेट आपको पकड़ेगी, क्योंकि इसमें AC चैनल भी है जो कि नॉर्मली लैपटॉप्स में नहीं होती है। तो अगर आप नए राउटर्स लगाएंगे उसमें AC चैनल्स होगी, जिससे कि काफ़ी फास्ट इसमें वाईफाई की स्पीड आती है। तो ये कुछ क्विक फीचर्स हैं। बेसिकली ये लैपटॉप का काफ़ी प्रीमियम लुक है, अगर आप देख रहे होगे तो इतना प्रीमियम लुक मुझे 39,000 में मिला, आई मीन आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस। सो स्लिम लुक, बेसिकली ये लुक के मामले में नो वन कैन बीट इट, एंड मोर देन द फीचर्स आपको इसमें AMD का प्रोसेसर मिल रहा है Ryzen 5, जो कि अभी बड़ा सेंसेशन है। आई मीन ये कुछ कुछ केस में तो मैंने सुना है कि i7 को भी बीट करता है सम केसेस में, और i5 जनरेशन के कॉम्पेटिवली आप इसको कंपेयर कर सकते हो अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हो। इस लैपटॉप पर जो सबसे एक और अच्छी बात है वो है इसका बैकलिट।
इसमें कीवर्ड में लाइट दिया है, तो अभी क्या होता है कि अगर आप रात में पढ़ रहे हो और आपका रूममेट लाइट को नहीं जलाने देना चाहता है, तो उस केस में काफ़ी इशू हो जाती है। बट इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कीबोर्ड में हमारा लाइट है और ये मिला है 49,000 के रेंज में, तो ये काफ़ी अच्छा बात है। मैं आपको लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ कि कैसे दिखता है। वैसे फ्लैश लाइट से शायद पता ना चल रहा हो, बट कीबोर्ड में लाइट है, ये काफ़ी अच्छा बात है। और ये आपका सी स्टार्ट हो गया सिस्टम। ये कुछ फीचर्स है इसकी, क्विक फीचर्स, एंड इसमें 8 GB की रैम है और इसमें HDD है, SSD नहीं है। वैसे इसमें SSD का स्लॉट भी है, तो अगर आप चाहते हो कि आपका सिस्टम और फास्ट हो जाए तो आप SSD स्लॉट में SSD को इंस्टॉल कर लो। SSD बेसिकली अगर आप 256 GB का भी लगा लोगे तो आपका सिस्टम 5 सेकंड में बूट हो जाता है। अभी इसका बूटिंग टाइम 20 सेकंड से ऊपर है, तो अगर आपके पास चार्ज एक्स्ट्रा है तो आप SSD एडिशनल इंस्टॉल कर लो। इसमें स्लॉट दिया है, काफ़ी अच्छा बात है। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं इसकी फीचर्स हैं। सो ये लैपटॉप ऑन द एवरेज काफ़ी सही है मेरे हिसाब से, 39,000 में लुक एंड एवरी थिंग एल्स मिला के। इसके कुछ डिसएडवांटेज मैं आपको बता दूँ, आप लोग बहुत सारे लोगों को डिसएडवांटेज शायद पसंद ना है। इसके डिसएडवांटेज में है DVD नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। अगर आप AMD का प्रोसेसर लेते हो तो इसमें रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। अगर आपको रैम एक्सपेंडेबल चाहिए तो फिर आपको इंटेल का वर्जन में जाना पड़ेगा, इंटेल i5 वर्जन में जाना पड़ेगा। बट उसका लुक इतना प्रीमियम और स्लिम नहीं है, तो वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट हाँ, AMD के इस प्रोसेसर में रैम 8 GB इज सफिशियंट, इट्स ओके। तो ये एक पॉइंट है। थर्ड जो डिसएडवांटेज है वो है कि इसमें इथरनेट पोर्ट नहीं है, तो इथरनेट पोर्ट नहीं होने से आप इसमें इथरनेट केबल डायरेक्ट प्लग इन नहीं कर सकते हो, तो आप इसमें नेट सिर्फ और सिर्फ वाईफाई से ही चला सकते हो, कोई केबल डायरेक्ट इनपुट करके आप नहीं चला सकते। ये एक डिसएडवांटेज है। तो ये हुआ क्विक रिव्यू स्विफ्टी का। बाकी मैं आपको इस लैपटॉप को और भी दिखा दूँ। ये जैसे कि हमारा लैपटॉप अभी स्टार्ट हो गया है, तो कि आप देख रहे हैं लैपटॉप स्टार्ट हो गया है। अभी अभी इसमें मुझे अनलॉक करने के लिए फिंगरप्रिंट में मैं देखिए बता रहा है फिंगरप्रिंट सेंसर। अब मैं यहाँ पे फिंगर रखूँगा ऐसे और अनलॉक हो जाएगा। उतना फास्ट नहीं है, बट या इट्स मतलब ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती अब। और परफॉर्मेंस के हिसाब से सही है, 1080 का आपका जो स्क्रीन है काफ़ी खूबसूरत है। तो ये है क्विक रिव्यू। अगर कोई आप लोग स्टूडेंट हो या फिर प्रोफेशनल हो और अगर बजट 40,000 का है तो इसमें ये लैपटॉप इज़ अ गुड डील एक्चुअली। जिस हिसाब से प्रीमियम लुक है, सबसे बड़ा बात ये स्लिम लुक, ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा मुझे तो एक्चुअली। एंड परफॉर्मेंस भी सही है। बेसिकली इसका यूज़ मैं प्रोग्रामिंग के लिए करूँगा। बेसिकली मैं एक जावा डेवलपर हूँ, तो डिफरेंट काइंड ऑफ इसमें जावा के प्रोग्रामिंग करने के लिए जो भी चीज़ें लगती है वो इंस्टॉल करूँगा। और फिर ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डर इसमें डाल के यूज़ कर सकता हूँ 1080p का। तो ये है एसर का क्विक रिव्यू। एंड बाकी फीचर्स के लिए आप लिंक पे डिस्क्रिप्शन पर जाइए, डिस्क्रिप्शन पे मैं फ्लिपकार्ट का लिंक दे दूँगा, एंड आप जाके चेक कर लीजिए उसमें और क्या क्या फीचर है। तो ये वैसे लेटेस्ट ब्रांड है, एसर का लेटेस्ट एक्चुअली ये मॉडल है Swift 3, और ये मैं लिनक्स वर्जन लिया था। सो या कैसा लगा आपको ये रिव्यू? अगर आपको और कुछ क्वेश्चंस है पूछने हैं इस लैपटॉप के बारे में तो आप पूछिए नीचे कमेंट में, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। बाय बाय, टेक केयर।